गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. येस्टरडे वी हैव डन एक्सरसाइज 2A, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2B, विच इज़ ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स. द होल एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, विच आई हैव सॉल्व फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. 512 प्लस 205 इज इक्वल्स टू डैश प्लस 512. आपने चेक करना है कि इस साइड पे 2 नंबर्स गिवन है जबकि इस साइड पे एक नंबर मिसिंग है, दैट इज़ 205. 5430 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें द आंसर विल बी सेम. नेक्स्ट 54 प्लस ब्रैकेट 36 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 54 प्लस ब्लैंक प्लस 40. इस साइड पे 3 नंबर्स गिवन है जबकि यहाँ पे आपके पास 2 नंबर्स गिवन है. चेक करें कौन सा नंबर मिसिंग है. द नंबर विच इज़ मिसिंग इज 36. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन. अगर आप 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका आंसर इवन ही आता है. फॉर एग्जांपल 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8, दैट इज़ ट्रू. नंबर 2, द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड. अगर 2 ऑड नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 3, इट्स आंसर इज 6 विच इज़ इवन. जबकि स्टेटमेंट में इसने कहा है कि ऑड होते हैं इसलिए ये क्रॉस है. द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड नंबर इज इवन. अगर आप एक इवन नंबर लेते हैं और एक ऑड लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5, अगर एक इवन होगा और एक ऑड होगा इट्स आंसर विल बी ऑड. जबकि इसने मेंशन किया है इवन, दैट इट्स इट इज़ क्रॉस. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स. अच्छा, लार्जेस्ट ऑड नंबर आपके पास 3 डिजिट्स में है 999, और 3 डिजिट में जो इवन नंबर है वो है 100. तो 999 माइनस 100 विच इज़ इक्वल्स टू 899. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है आपके पास 8 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 माइनस 2. इन दोनों साइड्स को आपने सॉल्व करना है. अगर आपके पास दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है तो वो राइट होगा, अगर आंसर इनकरेक्ट आता है तो वो क्रॉस होगा. फर्स्ट वन आपके पास क्रॉस है, सेकंड क्रॉस, थर्ड टिक, फोर्थ क्रॉस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन. ये बहुत इजी है, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. इसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड्स को भी सॉल्व करें, राइट हैंड साइड्स को भी सॉल्व करें. अगर इनका आंसर इक्वल आ जाए तो इट विल बी टिक, अदर अगर आंसर इक्वल ना आए तो इट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी आप प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन नंबर 4 और 7 को आप सॉल्व करें, ठीक है. और फिर चेक करें कि आपका आंसर ट्रू बनता है या फॉल्स. ओके, थैंक यू.